हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू तूफानी गेमर्स। और आज हम फिर से हाजिर हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन के साथ। मैं सोच रहा था क्यों ना हम ब्लैक वाला स्पाइडी सूट लें, जो कि वेनोम वाला सूट है। वो बहुत पावरफुल सूट है और हमें मिशन भी करने जाना है यार। तो मैं बोलता हूँ कि हमें ब्लैक स्पाइडी सूट ट्राई करना चाहिए एक बार। आप लोग क्या कहते हो, बोलो। है अरे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है भाई। मुझे लगता है आप लोग भी चाहते हैं कि हमें ब्लैक वाला स्पाइडी सूट ट्राई करना चाहिए एक बार। मुझे भी यही लगता है। वेल चलिए भाई, तो चलते। वैसे यहाँ पे ये गार्डन है क्या? अच्छा पार्क है। ओ भाई चलिए यहाँ पे चलते हैं। कोई तगड़ा वाला गाना बजाते हुए। एलेक्सा प्ले अ सॉन्ग फॉर मी। वाह भाई, बड़ा ही अच्छा पार्क है यार, बड़ा सुंदर पार्क है। चलिए थोड़ा टहलते हैं और मन को थोड़ा शांत करते हैं। यहाँ पे ये तालाब टाइप का, मतलब तालाब ही है। और पीछे इतने पेड़ वगैरह, बड़े प्यारे प्यारे। खैर मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, हम बन जाएंगे ब्लैक स्पाइड यानी वेनोम सूट ले लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3। अरे जल्दी सब्सक्राइब करो यारो। और फाइनली हम बन चुके हैं वेनोम स्पाइडर। ये ब्लैक स्पाइडी सूट भी बड़ा प्यारा, मतलब बड़ा अच्छा, मतलब बड़ा खतरनाक, जो भी है यार, अच्छा है, अच्छा है। वैसे द अमेजिंग स्पाइडरमैन में ये तो नहीं था वेनोम वाला कुछ, लेकिन फिर भी चलो यार, ये तो गेम है। ओके हाँ, तो चलिए भैया चलते हैं यहाँ से और ट्राई करते हैं इसमें। ऐसा क्या स्पेशल है? कुछ तो स्पेशल होगा। वैसे यहाँ से धुआं धुआं निकल रहा है ब्लैक कलर का सूट में से, पता नहीं कैसे। हम यहाँ से चलते हैं अभी और देखते हैं कि सिटी में क्राइम तो नहीं हो रहा है ना। और मिशन भी हमें करना है, तो चलिए चलते हैं। और लो भैया, बगल में ही गुंडे दिख गए। लगता है सिर्फ एक है। ओ भाई, पूरा जमीन ही फोड़ डाला एकदम। वैसे ये वाला एबिलिटी तो बड़ा कमाल का था यार, मतलब ये जो हम जंप करते हैं और चटाक से जमीन फूट जाता है, वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। वेल सोचा था कि क्यों ना हम नहाएं। खैर छोड़ो यार वो सब, चलते हैं यहाँ से। अरे मैं जा क्यों नहीं पा रहा? ओ सर जी, यहाँ पे तो पूरी पूरी गैंग है गुंडों की। ओहो आधे तो वैसे ही ढेर हो गए। अच्छा फिर खड़े हो गए, ये लो भाई। अभी कुछ, अरे अभी भी कमाल के लोग हैं ये, मर क्यों नहीं रहे यार? अब तो गए ना, कमाल है, ये भी बच गया यार, लेकिन इसका हेल्थ बहुत डाउन है। यार ये तो पुलिस वाले पे भी गोली चला रहे हैं, इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। गलत लोग है बहुत ज़्यादा, गुंडे मवाली कहीं के। बूम, ये बेचारे पुलिस वाले, ये सरजी लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं इन गुंडों को, फिर भी मार नहीं पा रहे हैं। उल्टा गुंडे ही उन पे गोलियां चला रहे हैं यार। मुझे इनकी मदद करनी ही पड़ेगी, और ज़्यादा बचे नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी चलो। अरे जाओ भाई, कुछ ढंग का काम करो, क्या कर रहे हो? मतलब कुछ भी तुम लोगों को काम धंधा नहीं है क्या? गोलियां चलाते रहते हो बेकार में, हट यार। हाँ तो चलो भैया, अभी चलते हैं यहाँ से। और
अरे कमाल है, मतलब कुछ भी हो रहा है, ये कहाँ से आ गया? इतने सारे गुंडे मवाली लोग यार, लोग काम धंधा नहीं क्या? मतलब कोई काम धंधा नहीं है, ये लोग गुंडे बनते जा रहे हैं। ऐ भाई पुष्पा देख लिया, KGF देख लिया तो क्या समझते हो अपने आप में? कुछ ढंग का काम करो, मतलब कुछ भी यार, ढंग का गुंडा बनो, ढंग का गुंडा। हाँ तो भाई हमें बुलावा आया है, मेरा मतलब ऊपर वाले का बुलावा नहीं अभी आया है, मतलब मिशन का बुलावा आया है, वहाँ पे हमें जाना, अभी कुछ तो हुआ है, चलिए चलते हैं वहीं पे। तो हमें यहीं आना था शायद, चलिए चलते हैं, शायद हमें यहीं आना था। ए बोरा, चलिए चलते हैं अभी। हम आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट लाने के लिए इस कार्यक्रम को बाधित करते हैं। डेटा ऑस्कॉप सेंटर में एक आग की गैस टूट गई, जो पूरी दुनिया में वैज्ञानिक अनुसंधान के सबसे बड़े संग्रह में से एक के लिए खतरा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आग फ्री रेडिकल्स नामक एक गैंग द्वारा शुरू की गई थी, जिन्होंने अपने कार्यों के लिए कोई मकसद नहीं दिया है। जैसे ही वे सामने आएंगे हम आपको विवरण प्रदान करना जारी रखेंगे। क्यों बे चंपू, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? आग क्यों लगा रखा है शहर में और आग मुझाने भी नहीं दे रहे हो? अरे तो क्या हुआ, हम पूरे शहर का बर्बाद ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। वैसे क्या तुम लोगों ने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है? क्योंकि अभी तुम्हारी हड्डी पसलियां टूटने वाली है, बता रहा हूँ यार, सुधर जाओ अभी भी। आया भाषण देने वाला, मैं निकलूं यहाँ से। बिल्कुल सही कहा, तो चलो फिर तैयार हो जाओ। मुझे इस फायर रेस्क्यू वाले बस को बचाना है और उनको सबक सिखाना है। वो गुंडे लोग कह कहाँ हुए? अच्छा पीछे से पाए क्या बस के? ये रहा भाई। अरे भाई ऊपर से आके गोले गिर रहे हैं क्या? अरे ये तो किलो के हिसाब से भाई, ये लो सर जी। अरे गोल गोल घूम के मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। उन भाई को मैंने जमीन में ही गाड़ दिया। ये जो ऊपर से गिर रहे हैं ना टूट टूट के आके गोले, ये बड़े परेशान कर रहे हैं यार। ओह नो, बच के जाना पड़ेगा यार, ध्यान से कुछ भी भाई। ओहो भाई यार मेरा तो भरता ही बन जाएगा इसमें। ये तो आते ही जा रहे हैं यार, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ तो यहाँ से हो रहा है सिटी में स्प्रे और आग बुझाने की कोशिश, पर ये गुंडे कोशिश को, मतलब कोशिश में भी विघ्न डालने आ रहे हैं या बार बार। ये लो आ गया, अभी इनको मैं बताता हूँ। ये ले भाई ये ले, ऐसी बात पे बोलो जय महाकाल। क्या बात है दोस्तों, कमेंट करो जल्दी से। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अरे भैया टाइमर शुरू हो गया। ओहो एक और है, एक और है, ये रहा। ले
ये गया ही नहीं वहाँ। अच्छा ले, वैसे मेरे भी हड्डी पसली एक हो गई है, पूछो मत। ये जो ऊपर से गिर रहे हैं ना, ये आग के गोले पूरा, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। ओहो हो, गजब सीन था। खैर हमने सिटी को बचा लिया। मैं जल्दी से पतली गली से निकल लेता हूँ इससे पहले कि कोई मुझे देख ले। मैं स्पाइडरमैन बड़ा खतरनाक है। ओ भाई ये क्या, ये गुंडा भाग गया। ओहो यार हट यार। और ये क्या छोड़ के गया, ये क्या अजीब सा फॉर्मूला। डॉक्टर कोरनोस, डॉक्टर कोरनोस क्या लिखा हुआ है ये। कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग यहाँ पे आग लगाने आए हैं, इसके पीछे कुछ तो राज है, लेकिन क्या। वैसे मेरे प्यारे दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कैसा है। और इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। और अगले पार्ट के लिए आपको कम से कम यार इस वीडियो पे 2000 लाइक्स तो देने ही होंगे। मुझे पता है ये मुश्किल हो सकता है, पर कर दो यार।